गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं बेडरूम और दो बेडरूम के बचा था वो दिखा रही हूँ। तो आप लोग वो वाला ब्लॉग आप लोग देख लिया है कवर के लिए, अब ये वाला ब्लॉग देखिए कि अपने रूम को कैसे क्लीन करते हैं और साफ़ करते हैं, क्योंकि रूम में सोते हैं तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे रूम में निगेटिव एनर्जी आती है। जब हमारे घर में गंदगी या कहीं भी गंदगी, मान लीजिए बॉडी के अंदर गंदगी रहती है कहीं भी गंदगी, तो निगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिक आने लगती है, इसलिए क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो विधिवत बताऊंगी कैसे कैसे करना है, आप देखिए और मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फैन से पहले शुरू करेंगे। गाइस आप लोग भी इसी तरह सफाई करिए। देखिए बॉक्स की और ये मेकअप, मेरा जो टेबल था उसको भी मैंने साफ कर लिया है, क्लीन कर लिया है, तो उसमें भी डस्ट काफ़ी आ गया था, डेली हो नहीं पाता था। तो फुर्सत में तो आराम से इंसान सफाई कर सकता है। और ये जो कर्टन है, कर्टन में मतलब साल में दो बार वॉश करती, जैसे होली दिवाली में, तो कर्टन को बीच में नहीं करती हूँ, कर्टन बार बार खुलने में वो रहता है, कम से कम दो लग लग चाहिए। जैसे मेरे हस्बैंड होते हैं तो वो करते हैं, साथ में हो जाता है कर्टन, तभी करती हूँ, बाकी सब तो अच्छे से कर लेती हूँ मैं अकेले। सारे बेडरूम जैसे सोते हैं, तो देखिए ये भी गंदा बहुत बड़ा है। तो एसी का हमारा जो विंडो एसी का गैस हो गया था, फिलअप कराना था, तो गैस फिलअप कराया। उसके बाद मैंने कहा सफाई करूँगी, बाबा स्कूल भी तब तक बंद हो जाएगा, उसके बाद इसका तो मैं शुरू करती हूँ। और जब आप सफाई करें तो ध्यान रहे गंदे मतलब पुराने कपड़े पहने, जैसे मैंने पुराने कपड़े पहने, बाद में नहा के आप अच्छे कपड़े पहन सकते, साफ मतलब नए कपड़े पहन सकते, तो इस तरह के पहने। इसमें कपड़े फट वट जाते कहीं पर, ज़्यादा काम हो जाता है, तो इसलिए पुराने कपड़े पहने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फैन से सबसे पहले लेते हैं कोई भी चीज़, क्योंकि फ़ैन में सबसे ज़्यादा डस्ट होता है। फ़ैन साफ करने के बाद कॉर्नर पे जाले वाले लगे होते हैं, उसको झाड़ू से अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, और फिर सब जगह के जाले छुड़ाने के बाद, डस्ट सारा निकालने के बाद, फिर ये सारा मतलब एक गीला कपड़ा को लेके अच्छे से पोंछ लेते हैं, उसमें डिटॉल या लाइजोल डाल के क्लीन करके, जैसे जम्स वम्स होते मर जाते हैं अच्छे से, मतलब उसे करते जरूर हैं मैं पोंछती हूँ। और ये रैक ले बुक वाली रैक, इसको भी मैं अच्छे से कर लूँगी, और इसमें सारे कवर में पोंछ के लगाऊंगी। सारी बुक देखिए कितनी सारी बुक रखी है, मेरे हस्बैंड और मेरी भी रखी थी जो मैं तैयारी करी थी सिविल सर्विस की, उसका बुक सारा रखा पड़ा है और उसको हटाया भी नहीं। तो देखिए बाबू की भी पुरानी बुक रखी है, कापियाँ रखी, नोटबुक रखी है, तो उनको भी हटाना है। तो ऑलमोस्ट सारी बुकें रखी है इतनी सारी, बहुत सारी, एक दिन हटाएंगे सारी तो कबाड़ी को देंगे, तो ये सब हटाना पड़ेगा। बाकी बहुत सारा थोड़ा रखा है, अभी तो मैं पोछ के सब लगा देती हूँ, बाद में देख के निकालूँगी कितना सारा। देख लीजिए कितना सारा लगा हुआ है, कबाड़ लगा हुआ लिख में, देखने में चादर में लग रहा कितना सारा कबाड़। जब साफ़ हो जाता, क्लीन हो जाता, बहुत सुंदर लगता है घर। आप लोग भी ऐसे क्लीन करिए अपने घर को, अच्छे से सजाओ, घर मंदिर होता है। और ये दवाई है, दवाइयाँ हैं पतंजलि की दवाई जो मतलब यूज़ करने वाली, तो उसको भी सजा के रखना, डस्ट वस्ट आ जाता हर जगह। तो गाइस इतना से देखिए काम वाली आई है, तो उसको अच्छे से झाड़ू लगा के उसे
पोछा लगाएगी और कूड़ा बाहर निकाल दी थी तो झाड़ू पोछा लाइजोल से पोछा लगवा रहे हैं। मैं डेली लाइजोल से पोछा लगवाती हूँ और अब बाहर का बाहर भी जाने वाले लग गए थे। अब गीले कपड़े से अच्छे से पोछूंगी डिटॉल सब। देखिए मैं पूछ रही थी, अब कवर चढ़ा दूंगी और चादर बेडशीट लगा दूंगी और हमारा रूम अच्छे से पोछ दूंगी एक बार। अब ये कपड़े मेरे बचे हैं, कपड़े को फोल्ड कर लेती हूँ, कपड़े तय लगा लेती हूँ। कपड़े कितने सारे हो गए, देखिए कितना तय लगाना है। मैं नहा चुकी हूँ, फिर भी मैं नहाने के बाद ही कपड़े खुले कपड़े तो नहाने के बाद ही छोड़े ना, तो उसको देख सकते हैं। हम नहा चुके हैं और मेरा हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है ये भी बताइएगा। मैंने हेयर स्टाइल कटिंग करवाई है तो थोड़ा छोटा करवा दिया, मैं छोटे थोड़े बड़े हो गए थे काफ़ी, तो मैंने छोटा कर कर भी मेरे छोटे ही ठीक रहते, ज़्यादा वॉश करना पड़ता है इसलिए मैंने छोटा करवा दिया। तो बताइएगा कैसा लग रहा है हेयर स्टाइल मेरा। तो ये देखिए मेरा रूम, ये जैसे मतलब ये बेडरूम ही है मगर इसको मैं जैसे स्टोर रूम जैसा ही उसमें कपड़े उपड़े फैलाती हूँ। ये आप देख लीजिए चादर वादर सारी धुली है, तो जो रूम साफ हुआ था ये देखिए, ये सब ये कपड़े वाला रूम स्टैंड है सब कुछ। ये देखिए यहाँ पर कपड़े होल्ड किए रखे हैं, मतलब स्टोर रूम जैसा ही है इसको, तो वो करते हैं वॉशरूम है इसको बंद कर देते हैं। और ये वाला अलमीरा है, तो इसको मतलब इसको तो कभी भी पहले होली में कर दिए थे, इसमें कोई दिक्कत, बाहर में मतलब बहुत गंदगी हो गई थी वो साफ़ करना ज़रूरी था। और कल गुरुवार था, गुरुवार को जाले वाले नहीं छुड़ाते इसलिए कल मैंने रेस्ट ले लिया, कल नहीं मैंने किया, फ्राइडे को जाले वाले छुड़ाते फ्राइडे को कर लिया। और नेक्स्ट रूम में मिलते हैं, चलते हैं दिखाते हैं आपको। तो जैसे वहाँ यहाँ हम लोग ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं तो बाहर हम लोग कपड़े नहीं धुल के फैलाते हैं, ये रूम में ही फैलाते हैं, फ़ैन चला देते हैं इसीलिए फ़ैन जल्दी गंदा हो जाता है, फ़ैन ज़्यादा चलता है इसमें जल्दी डस्ट लग जाता है, तो कपड़े पड़े इसी से सूख जाते हैं। मशीन में वॉश होने के बाद सुखाने के बाद ज़्यादा समय लगता नहीं, सब सूख जाते हैं इसी में। तो चलो दूसरे रूम में मिलाते हैं। तो गाइस ये वाला देखिए हमारा बेडरूम है, हम बेडरूम में आ गए हैं, देखिए साफ हो चुका है, फैन वैन आप देख लीजिए चमक रहा है बिल्कुल, नीट एंड क्लीन हो गया। और ये देखिए बुक टेबल पे बुक है, ये आप लोग देख सकते हैं बहुत इसमें डस्ट आ गया था बहुत ज़्यादा, पूरा हटा के मैंने साफ किया है। तो ऐसे ही आप लोग अपने घर में साफ करिए, क्लीन करिए, देखिए बहुत ज़्यादा हो जाता है, बच्चों के स्कूल खुले होते हैं तो उसमें ज़्यादा हो नहीं पाता है, और छुट्टी है तो उसमें आराम से सफाई वफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलें, बाय बाय।